नमस्कार। आज हम एक खोज की बात कर रहे हैं जो खोज या तो लुप्त थी या लुप्त कर दी गई। खून ही जीवन है, इसको नोट कर लीजिए, खून ही जीवन है, ब्लड इज लाइफ। तो आप इस ब्लड को अंदर घूमता हुआ देख सकते हैं। ये पूरा जीवन अंदर लिए हुए चल रहा है। दिस ब्लड इज फ्लोइंग इनसाइड अवर बॉडी एंड एवरीथिंग इज बीइंग डन बाय ब्लड। ये जो खून है ये जीवन है, इसको लुप्त रखा गया या ये लुप्त हो गया। दिस ब्लड इज लाइफ। इट वॉज केप्ट अननोन और अनडिक्लेयर्ड और अनएक्सप्लोर्ड और इट हैज गॉन लाइक दैट। सो ब्लड इज लाइफ, खून जीवन है। बिकॉज द फ्लोइंग ब्लड इज टेकिंग एंड डूइंग एवरीथिंग इन अवर सिस्टम, एवरीथिंग यू नेम इट। तो ये जो जीवन है ये खून है। दिस लाइफ इज ब्लड। सो नाउ, नो हार्ट अटैक क्लब, नो हार्ट अटैक सिस्टम और नो डिपॉजिट्स बर्थ। ये दिल का दौरा ना पड़ना या ये डिपॉजिट्स जो हैं बॉडी के अंदर जो होते हैं उनका ना होना ही हमें सब चीजों से बचा लेता है। आज हम बात करेंगे कि ये जो चीजें हैं नो हार्ट अटैक और नो डिपॉजिट्स, इसकी गहराइयां इतनी ज्यादा हैं कि इसने तो नो एजिंग को भी टच कर लिया। अब आप यंग दिख सकते हैं, यंग रह सकते हैं। सो द डेप्थ ऑफ दिस नो हार्ट अटैक सिस्टम एंड नो बर्थ ऑफ डिपॉजिट्स हैज रीच्ड ए स्टेज वेयर यू कैन कीप योरसेल्फ यंग, नो एजिंग, बिकॉज द डिपॉजिट्स आर द वन थिंग विच इज डूइंग एवरी बैड थिंग, एवरी प्रॉब्लम। डिपॉजिट्स व्हेन इट गोज टू आर्टरीज block it, when they go to joints they clog it, when it goes to brain it loses many things, when it comes to eyes it gives to motia or cataract. So this blood hi jeevan hai, khoon hi jeevan hai, or blood is life. How we can maintain it? With only one thing, vichar shakti, thought process. Blood is life, khoon hi jeevan hai. Iski gehrai pe, what is there in the bag? Thought process, vichar shakti. Now, this vichar shakti, ye jo vichar shakti hai, iske infinite, बे इंतहा अनगिनत कारण हैं। जब हम इस विचार शक्ति को शक्तिशाली, प्योर, जेन्युइन एंड पावरफुल कर लेते हैं तो खून जो है वो प्रॉपर्टीज जो लेके चलता है, जो केमिकल्स लेके चलता है, जो उसकी रफ्तार है, जो उसकी हर चीज है, वो आपका जीवन बना देती, वो आपको हेल्थ देती है। लेकिन ये विचार शक्ति कैसे बनती है? अनगिनत एंगल है उसमें। एक नॉलेज है, एक ज्ञान है और बहुत सारी चीजें हैं
एटमॉस्फियर है, लोग हैं, सब चीजें हैं जो मिलकर इसको बनाती हैं। तो कारण क्या है? इसका जो खून ही जीवन है, इसको बचाने का सिर्फ थॉट प्रोसेस और उसके इंग्रेडिएंट्स इनफाइनाइट। आपका खाना, पीना, रहना, सोचना, नॉलेज, बहुत सारे एंगल हैं जो इसको ऊपर काम करते हैं। सो आई वॉज टॉकिंग अबाउट द ब्लड इज लाइफ एंड द थॉट प्रोसेस इज एट इट्स बैक। तो सो हाउ टू इम्प्रूव दिस थॉट प्रोसेस? देयर आर इनफाइनाइट एंगल्स एट इट्स बैक। द एटमोस्फियर, द नॉलेज, द पीपल एंड मैनी 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 मोर थिंग्स विच कम अक्रॉस अस और विच वी मेक टू कम इन फ्रंट ऑफ अस। ऑल दीज थिंग्स मेक अस सिलेक्ट इवन अवर फूड्स, इवन अवर वे, इवन अवर ड्राइव एंड एवरीथिंग, द थॉट प्रोसेस एंड इट मेंटेन्स अवर ब्लड। ये जो विचार शक्ति है, यही हमें अपनी फूड को चुनने के लिए, हर चीज को चुनने के लिए बाध्य करती है, रिस्ट्रिक्ट करती है, बताती है। तो ब्लड इज लाइफ, खून ही जीवन है, देन थॉट प्रोसेस, देन द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड एंड द इंग्रेडिएंट्स ऑफ ब्लड, द व्हाट ब्लड कैरीज, जो भी चीजें लेकर खून चलता है वो इस थॉट प्रोसेस से एंड विद दिस विचार शक्ति से ही बनते हैं। खून चलता है, उसके बीच में ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, CO2 है, सब चीज है। लेकिन जब आपके विचार इसके फ्लो को, इसकी कैपेसिटी को, इन चीजों को हेल्दी बना देते हैं, मेंटेन कर देते हैं, तो देन इम्यून सिस्टम स्टे स्ट्रॉन्ग, योर इंग्रेडिएंट्स, द आयरन keeps its place, the calcium keeps its place, everything stays intact, the immune systems also stay fine. Immune system जो लड़ने की शक्ति है अंदर, जो खराब करने वाली चीजों से लड़ने की शक्ति है, उसको immune system कहते हैं, वो भी strong रहता है। और ये immune system किसी anti-immune system को नहीं create होने देता। जैसे एक गवर्नमेंट तगड़ी है, वो एक पावरफुल है, वो एंटी लोगों को नहीं पनपने देती, द सेम वे दिस इम्यून सिस्टम डोंट लेट द एंटी इम्यून सिस्टम्स टेक शेप, जो कि इवन डायबिटीज 1 में एंटी इम्यून सिस्टम्स जो क्रिएट हो जाते हैं पेनक्रियाज में, उसकी वजह से वो क्रिएट हो जाती हैं। वो हमारी, अवर इम्यून सिस्टम स्टार्ट किलिंग अवर ओन सेल्स, सो दैट इज अगेन द डेफिशिएंसी ऑफ थॉट प्रोसेस। थॉट प्रोसेस, द विचार शक्ति को हमने मेंटेन करना है इनफाइनाइट एंगल से, फूड से, विचारों से, नॉलेज से, एवरीथिंग विद नॉलेज, विद फूड्स एंड ऑल दोज थिंग्स। हमें थॉट प्रोसेस को स्ट्रॉन्ग करना है, विचार शक्ति को स्ट्रॉन्ग करना है, दैट विल कीप द फ्लो ऑफ द अवर ब्लड इंटैक्ट। The pressures will stay fine, their contents will stay fine, they will use the air from outside in a very proper way, they will keep the immune systems intact, they don't let the anti-immune systems take shape. So every time we should work on vichar shakti, the thought process, so that we can maintain our health. Now above all the things, the no heart attack, no deposits, no memory loss, no cataract, we can maintain our age, aging also, we can stay young, हम अपने आप को जवान बना सकते हैं, better बना सकते हैं, skin better हो सकती है, we can stay young and all that. So, आज का topic था, खून ही जीवन है, blood is life. It was uninvented or unexplored or hidden or made hidden due to some reasons. इसको छुपाया गया या छुप रहा था,
आज से आप इसको रखें अपने दिमाग में कि ब्लड ही जीवन है, खून ही जीवन है और ब्लड इज लाइफ। सो इतना कहते हुए आई विल अगेन कम टू यू विद द सेम थिंग्स अबाउट हेल्थ एंड ब्लड एंड मैनी थिंग्स, सो यू कैन कीप योर सेल्फ यंग एंड नो हार्ट अटैक, नो कॉन्टैक्ट डिपॉजिट्स एंड मैनी मोर थिंग्स ऑफ हेल्थ। थैंक यू।